पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को जो मेरा कृपा पात्र है उसको मेरा ही स्वरूप जानना, अन्य में आस्था ना करना। अब जैसे एक गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन निकालना होता है, मूलधन ज्ञात करना होता है। वो मूलधन तो करोड़ों के रूप संख्या में होता है, 8 करोड़, 20 लाख, 25,000, इस तरह का। उसको प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना होता उस प्रॉब्लम में, उस प्रश्न में। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए हमने मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। और मूलधन 100 रुपये मानकर फिर हम उसका वो रेट निकाल लेते हैं ब्याज का, फिर उसको मल्टीप्लाई करके जो अपना ओरिजिनल धन है, वो मूल धन है, उसको प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा रूपी मूल धन को पाने के लिए आप जीने सपोज करना पड़ेगा, मान लीजिए गुरुजी हमारे भगवान हैं। गुरुजी गुरुदेव वो भगवान नहीं है जिसको हमने पाना है, लेकिन आपने ये मानना पड़ेगा गुरुजी भगवान है। अब परमात्मा है तो परमात्मा को हम तलाश कर रहे हैं, जिसके पास हम जाना चाहते हैं, जो हमें सब सुख देगा, हमें वहां रखेगा, तो हमने निष्कपट निर्विकार भी होना पड़ेगा, तो तभी हम परमात्मा के पास जाने योग्य होंगे। वो अपने पास रखेगा, कपटी और विकारी जीव तो घर में ना उठते अपने में, और हम जाना भगवान के पास। तो आप जी ने एक रिहर्सल करनी है इस दास के साथ पास आकर के, कि जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा है ये सोच लीजिए, तो उससे आप कैसा व्यवहार करोगे, भगवान आपके पास आ जावे आपने कैसे बोलना होगा, कैसे उसके साथ व्यवहार करना होगा, उनके आदेश का किस प्रकार पालन करना होगा, कैसे करोगे। जो पुण्य आत्मा है वो खूब समझते हैं कि भगवान जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, जो हमें सदा सुखी करेगा, सारे दुख दूर करेगा और उससे हम मिलने जा रहे हैं, फिर वो जो आदेश देगा वो सिरोधार्य होता है। हे पुण्यात्मा, आप तो अपने स्तर से सोच ही सकते हो, लेकिन दास बता सकता है, जब भगवान दास के सामने आ जाए तो क्या करेगा, किस प्रकार भाव होगा, किस प्रकार उसकी तरफ देखेंगे हम, कैसी हमारी स्थिति होगी। ये तो कहते हैं ऐसी है जैसे गूंगा गुड़ खा के फिर ना डला करे, बताई नहीं जा सकती हमारी क्या स्थिति। तो ऐसी आपने ये देखना है कि मैं गुरुजी के पास जाता हूं तो कैसे व्यवहार करते हैं हम, और भगवान के सामने कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपने इसमें ढालना है अपनी आदत को कि गुरु नहीं, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, ऐसे आपने चलना पड़ेगा। और भक्ति विधि में जो ये दास बतावे, भक्ति की विधि वही आपने करनी है, किसी और के बताए से नहीं करनी। अब 10-5 दिन पहले कुछ एक भक्तों में एक ऐसी भ्रमणा फैल गई थी, एक दो दुष्ट आत्मा पहले हमारी शिष्या थी,
अब वो बकवाद करती हैं, अपने हिसाब से वो सेटिंग करती हैं। उनमें से एक में भूत आता है, प्रेत, और वह दूसरी नौका है इसमें भगवान आवे कबीर साहब। फिर उसकी चापलूसी क्या है कि पहले कहती है कि गुरुजी ही सब कुछ है, अब दास से शुरू करती है, फिर कहती है ये गुरु है ना जो इसमें परमात्मा कबीर जी आते हैं और इससे प्यार करो, ये भक्ति विधि बतावे, ऐसे करो, सुबह 2 बजे उठकर 5 बजे तक भजन करो और बाकी समय फिल्मी गाने गाओ, रख कर्म इनो थरे फूट के बाग। तो पुण्यात्माओं, ये दास डॉक्टर है और MD है, डॉक्टर समझो जो लेटेस्ट सुप्रीम, इस भक्ति मार्ग का ये दास डॉक्टर है और कोई नहीं पृथ्वी पे, बाकी सब मरीज हैं। और मरीज से के कहने से मरीज दवाई लेने लग गया, दोनों मरेंगे, क्योंकि वो तो नहीं मरेगा, उसने दवाई गलत खा ली, उसको ऑपरेक्शन होगा, क्योंकि परमात्मा उससे नाराज होगा। ये भक्ति का जो ट्रीटमेंट है ना, टेबलेट दास बताओ वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो। नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। मान लीजिए आपका सुबह उठने का अभ्यास है तो अच्छी बात है, उठ जाइए, उठ के कर लो, लेट के कर लो, बैठ के कर लो, आंखें खोल के कर लो, बंद करके कर लो, लेकिन सिमरन पर ध्यान रखना पड़ेगा, मैं क्या सिमरन कर रहा हूं, किस मंत्र का जाप कर रहा हूं, उस मंत्र पर सुरत निरत मन। और चौथा ये श्वास पवन जिसको बोलते हैं, ये चारों मिलाकर करनी पड़ेगी। और इसको चाहे इस सिमरन को आप माला से कर ले या बिना माला से कर ले, वो आपकी इच्छा। जैसे पहली वाले बच्चे होते हैं, जैसे कलम तख्ती पर लिखते हैं, बार बार उसको मिटाते थे, लिखते हैं, फिर बड़े होकर के उनको ना आवश्यकता पड़ती है, तो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन माला से जाप करना अच्छा है, बुरा नहीं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ऐसे जाप ना करो जैसे माला तो कर्म है फिर और जीव फिर मुखमा ही और मनवा तो चौदस पर है, ये सुमरण नहीं। माला आपके हाथ में है, आप मणियां तो फेर रहे हो, मन का फेर रहे हो और जीव भी बोल रही है, मन उस पर लगा नहीं, तू बोल क्या रहा है, कहते ये सिमरण नहीं है। कर का मन का डार के मन का फेर, यानी केवल हाथ से मन का फेर रहा इससे नहीं लाभ होगा, मन को इस श्वास के ऊपर लगा, यानी सांस का जब भी आप सिमरण करते हो तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए मैं बोल के रहा हूं। जैसे सांस सुमन करते हो बाहर कौन सा मंत्र बोल रहे हैं छोड़ रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान हो मैंने श्वास से क्या बोला, अजब पा जाप है ये बोल के नहीं करना, यानी इसको सुरत और शब्द अभ्यास कहते हैं। सुरत और शब्द, शब्द तो ये मंत्र है, ये जैसे बाहर छोड़ा उस शब्द पर ध्यान लगावे, तो सुरत शब्द ये अभ्यास करे। सिमरन जब करे तो आपका नाम के ऊपर ध्यान हो, चित्त हो उस पर, तो वो सिमरन सही है। अंदर कौन सा लिया, क्या बोला, तो ये तो सिमरन है सही। और वैसे आप श्वास चल रहा है, आप ध्यान कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहा तो नहीं, जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो उसमें भी मैं क्या बोल रहा हूं, पहला मंत्र क्या बोला जा रहा है, दूसरा भी तीसरा भी, उसके ऊपर ध्यान रहे मैं के बोल रहा हूं। और रह रहकर ये भी कभी कभी याद आ जाए कि आपको ये पता हो कि ये प्रथम मंत्र किसका है, दूसरा किसका, तीसरा चौथा पांचवा, ये किस किस देव शक्तियों के हैं, ये भी आपको ध्यान में रह रहकर एक जीवन आ जाना चाहिए। अन्यथा जैसे बोल रहे हैं उस मंत्र पर अवश्य ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूं, चाहे उच्चारण उसको वैसे प्रथम मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान अवश्य रहे, मन मन में भी कर सकते हो। और जो दूसरा मंत्र सतनाम है इसको केवल श्वास से किया जाता है, उस पर भी ध्यान रहे मैं बाहर क्या छोड़ रहा हूं, अंदर कौन सा ले रहा हूं। 2 अक्षर का होता है ये सतनाम, 1 अक्षर बाहर छोड़ना होता है, 1 अंदर लेना होता है। तो मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूं, क्या अंदर ले रहा हूं, कौन सा मंत्र मैंने जाप किया है, उस पर चित्र है, वो शब्द रहे, सुरत शब्द उस शब्द पर या सुरत रहे, ये ध्यान रहे, इसको सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। ये दूसरे नकली पंथा वाले कहते हैं सुरत और शब्द का ध्यान करें 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने बैठ जाए कोल्लू सा गाड़ गए, और फिर कहते अंदर शब्द सुनना है, ये सुरत शब्द अभ्यास है। अरे झूठा ज्ञान ध्यान कहां ला रहे,
तेरा ज्ञान ही व्यर्थ है, तुम ढूंढ कहां रहे हो, ये बाद में दादा तुड़ाई है। इस नाम के सिमरण से आपके अंदर वो धुन प्रकट होगी, और जो वास्तविक धुन, ये तो काल की धुन है जो शरीर में तुम सुनोगे, इससे बाहर सत्खंड के अंदर जो सुरत है वह शरीर से बाहर निकलकर आत्मा फिर सुनेगी। शरीर में रहते हुए आपका एकदम सूक्ष्म शरीर बाहर चढ़ेगा और फिर वो धुन सुनाई देगी। शरीर में रहते हुए धुन परले पार वाली नहीं सुन सकते, ये मूर्ख बना रखा था हमारे को। सुरत शब्द अभ्यास का गाटा जोड़ रहे थे और सुरत का बेरा न शब्द का पता। शब्द क्या? शब्द यानी मंत्र अक्षर, जिसका हम जाप कर रहे हैं उसको शब्द बोलते, और सुरत उसको पर ध्यान रहे, ये सुरत शब्द अभ्यास। कबीर कलयुग आए के किए बहुत जो मीत, जिन दिन बांजा एक से ते सुख सोव नचीते। कबीर गुरु मर्याद गुरु मर्याद न भक्तिपन, नहीं पिया का अधिकार कह कबीर व्यभिचारणी का कहीं नहीं सत्कार। अब जैसे अभी आपको पता है कि वो दो निकम्मी आत्मा, एक ननुका, इसमें भगवान आता है, 10-20 भगत खराब हो गए थे, उनका पता लगा, उनको डांटा धमकाया निकम्मियों को कि तुम बर्बाद हो जाओगे, इसी ये दुष्ट करा कितने धक्के खाते आ रहे हैं। पहले भी कबीर साहब की वाणी यही थी, गीता जी भी यही थी, वेद भी यही थे, किसी ने कैसे का भी नहीं पता था। इस दास से थोड़ा बहुत ज्ञान सुनकर पंसारी बनना चाहते हैं, हमने तो बड़े बड़े ढाणे हैं, ये दो कुतरू फिर पैदा होते हैं। कहते हैं संगत माए कुसंगत उपज जैसे वन में बांस, किस किस आग लगा दे करे बनखंड का भी नाश। ऐसे दुष्ट टाइप के इंसान होते हैं जो संगत में से कुसंगत उपजती है जैसे वन के अंदर बांस उग जाता है। वन में बांस होता है बंबू, वो क्या होता है कि जब तेज हवा चलती है तो ऐसे थपेड़े लगते हैं, वो ऐसे आपस में घिसके और उन बांसों से आग लग जाती है और पूरे दावा नल का रूप धारण कर लेती है, पूरे बनखंड को, पूरे जंगल का नाश कर देती है। कहते ऐसी नकमी आत्मा जो होती है वो संगत में से कुसंगत उत्पन्न हो जाती है, वो आपस में बकवास करके पूरी संगत का नाश कर देते हैं। तो ऐसे कीड़ों से भी हमने सावधान रहना चाहिए। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुमरण कैसे करूं मैं दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सार नाम का, तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। आप नहीं बता सकते उसको कि ये मंत्र बाहर छोड़िए अंदर ले, नहीं तो आप उसके गुरु हो जाओगे, आपका नाम खंड हो जाएगा। आप उसको ऐसे बता सकते हो कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बताया, मैं तो ऐसे सीमन करता हूं। वो भी सतनाम जिसने ले रखा हो, जिसने ले नहीं रखा उसको नहीं बता सकते। जिसने ले रखा है वो कहता मेरे भूल लगी है, और वैसे तो हम यहाँ शुद्ध करा देते हैं, यहाँ भी आपको पूछ सकते हो। वैसे भी जिसने उपदेश ले रखा है, दूसरे ने भी ले रखा, सतनाम दोनों ने ले रखा है, उसको ये नहीं कह सकते आपके ये पहला मंत्र ऐसे छोड़ दूसरा ऐसे लेती आपका नाम खंड हो जाएगा, क्योंकि आप उसके गुरु बन गए। आप उसको इतना कह सकते हो कि गुरुजी ने हमें ऐसे बताया है, ये मंत्र ऐसे छोड़ना है, ये ऐसे लेना है, वो समझ जाएगा दूसरा कि ऐसा मंत्र। और कोई सीधा बताता है तो ऐसे भक्ति कर, 2-3 घंटे सुबह कर, फलाना कर, ये मंत्र ऐसे कर, वो तुम्हारा गुरु बन गया, वो दुष्ट आत्मा ने तेरा भी नामखंड कर दिया और भक्ति नाश होगी आपकी। तो इस प्रकार के जो मिस हैपनिंग आपके साथ होती है आपकी भक्ति के ना करवा देती है, उसके लिए आपने पुनरुपदेश लेना पड़ता है, परमात्मा रजा बख्श देते हैं। कहते हैं कबीर गुरु मर्याद ना भक्तिपन और नहीं पिया का अधिकार, यानी जब दूसरे पर आस्था होगी तो आप अपने मालिक से ऑटोमेटिक कट गए परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। मान लीजिए उस दुष्टा में, उस ढेढ़नी में बड़ी बात करते हैं, कबीर जी आते हैं, वैसे तो भूत आता उसमें कत्ती जैसे ये, तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा, तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है, तो मेरे मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा, नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आकर। आपने गुरु जी के अतिरिक्त
किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहां तक कह दिया। जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं तू गुरु जी को भी मानो, और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो तो उनको भक्ति नाम कांस नहीं, उनका भट्ठा बैठ गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना और ठेस लगे दक्षिण हो जाती, ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को इस बच्चे को परिपक्व करना है, सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जाए, मेरा गर्भ खराब हो जाए, कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लूं जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डरकर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना और ठेस लगे तो छन हुए तेरी, ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रह और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता ने, नार कहावे पीव की और कहते हैं रह और संग सोए और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 64 लाख शिष्य थे उनके, उस समय उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरु जी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरु जी का अगर नहीं बताना नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान ली गुरु जी का आदेश, पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी अब सेट हो गया, गुरु जी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं, नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है। इतने दिन हो गए गुरु जी ने, 15 साल हो गए मन नाम देते न, किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरु जी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताई गई क्रिया करने लगे तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं, 10-20 खराब हुए थे फिर सेट हो गए, उनको नाम देते। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो गुरु जी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहा वह पीव की और रह और संग सोए, आस्था किसे में और नकली गुरु की से मान रही ऊपरले मंत्र, और कहते हैं जार सदा मन में बसे, आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों हो गई, वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछा वह सूंदरी अंतर प्रदा होए, और तन सौपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक अभी ये मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरु जी कहे आस्था दुष ढेटनी में दुष्टा में, तो क्या बताते हैं सेज बिछा वह सुंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे अंदर में आड़ बना ली, और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहां आकर नमस्कार करे और आत्मा उस दुष्टा में, ये 10-20 से बिगड़े थे वो सेट हो गए अभी 10-1 दिन, ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम आग चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे लेकिन ये हमारे ये परमात्मा का बाग किसी से बिगड़ नहीं सकता, ये तो पूरे ब्रह्मांड में छावागार, ये बड़े बड़े ये टीरी खा ये ढाणे हमने ये बड़े बड़े पंथ पर डेरी नए कुतरू आ गए, थोड़े हमारी संगत को खराब कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं जब तुम भक्ति करते हो और पतिव्रता पद पर रहते हो, यानी 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो आप वो साधना कीजिए जो दास आपको बता रहा है, और एक दिन आन किसी के कहने से आन उपासना कर ली, कहते वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी,
वो साधना आपने किसी और के बताई हुई नहीं करनी है। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं थे, भगवान भी आ जावे। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। इसीलिए है कि आपको ये काल और अपने दूतों के द्वारा हमारे रास्ते से भ्रष्ट कर देता है। फिर कुछ दिन आपका पुण्य आपके साथ होता है, वो पहले किया हुआ जो इस सतभक्ति का, तो वही आपको देता रहता है। आप सोचते हो मुझे कुछ हानि भी नहीं हो रही है, गुरुजी भी त्याग दिया है और मैं अब साधना भी अपने हिसाब से ही कर रहा हूं। तो पिछला पुण्य जब तक चलेगा, वह बैटरी जितनी चार्ज होगी, कि चार्जर हट गया, चार्जर हटा देने से बैटरी फिर भी काम करती है, इन्वर्टर के पंखे बल्ब फिर भी जगते रहते हैं, लेकिन आगे चार्जर ठीक ना लगने से फिर एकदम सभी आपदाएं आएंगी, सभी बल्लभ भी बंद हो जाएंगे, तसने ट्यूब बंद हो जाएंगी, पंखे भी नहीं चलेंगे क्योंकि वो डिस्चार्ज होगी। तो परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और पतिव्रता पद पर यानी अन्य की कोई आस्था नहीं रखनी, केवल ये दास जो बताओ वही साधना आपने करनी है, उसी तरह नियम रखने हैं। कहते हैं पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पांव, और समर्थ झाड़ू देते हैं ना कांटा लग जाए। आपके जीवन रूपी सफर को परमात्मा आपके पाप कर्म रूपी कांटों को ऐसे बुहार देगा, साफ करके रखेगा, कहीं मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को ये कर्म रूपी कांटा दुख ना देते। कहते समर्थ झाड़ू देते है पति भरता, फिर ऐसी जो आत्मा जो एक परम पिता पर रुकने वाली सच्ची श्रद्धा करने वाली अपने जीवन रूपी सफर पर पग रखती है, तो समर्थ झाड़ू देते है कहीं ना काटा लग जाए। बोलो सतगुरु जी। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहेब कबीर देव अल्लाहु अकबर, उस पूर्ण ब्रह्म की असीम कृपा से आप जी को ये अमृत वचन सुनने को प्राप्त हुए। न जाने आपके कौन से जन्म जन्मांतर के पुण्यों का संग्रह संचन एकत्रित हुआ, जिस कारण से आपको ये अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ। पिछले संस्कार भी बहुत सहयोग देते हैं, जन्म जन्म के प्रयत्न जो आप जी करते आ रहे हो वो भी आपके साथ रहे हैं। परमात्मा कबीर जी बताते हैं, संतों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे वो युगन युगन के माल। गरीबदास जी महाराज जी भी अपनी अमृतवाणी में इसी का समर्थन कर रहे हैं कि राम कहे राजी नहीं, ये चोरा नाल खुशहाल, भाई मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। संतों के साथ तो बकवाद करते हैं और स्वयं शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, संतों के साथ तो मजाक करते हैं विरोध करते हैं और स्वयं शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। प्रत्येक वर्ष जो ये कावड़ लेने जाते हैं ये शास्त्र विधि को त्याग कर इनका मनमाना आचरण है, और प्रति वर्ष 100-150 व्यक्ति एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और फिर भी ये भोली आत्मा अगले वर्ष उमड़ कर जाती है और अधिक से अधिक जाती है। अभी 10 वर्ष पहले, लगभग 10 वर्ष पहले एक ऐसी भयंकर घटना घटी थी वहां नीलकंठ के ऊपर, यही कावड़ लाने का समय था और श्रद्धालु उमड़ कर गए हुए थे, और अधिकतर वहां जाते हैं जहां नीलकंठ बना हुआ है, एक मंदिर बना हुआ भगवान शिव जी का बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर। वहां कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु गए हुए थे नीलकंठ में बनी उस मूर्ति के दर्शनार्थ, इन अज्ञानियों द्वारा भ्रमित किए हुए श्रद्धालु।
क्या हुआ कि ऊपर से कोई पहाड़ का टुकड़ा टूट गया, पत्थर बहुत बड़ा, पानी के रिसने से चारों तरफ से खोखला होकर एकदम ऊपर से गिरा। वहां बनी हुई धर्मशाला तोड़ी, वो नीलकंठ का मंदिर तोड़ा और फिर वो चल पड़ा आगे, उस रास्ते हो लिया जिस रास्ते श्रद्धालु ऊपर आ रहे थे, और तो उसको कोई रास्ता मिला नहीं, वही रास्ता था। ऐसे वो पूरा गिरडा बन गया बुलडोजर की तरह और ऊपर से चल पड़ा। हजारों 500-400 तो वह हमारे जहां नीलकंठ के मंदिर में लाइन लाइन खड़े थे, और फिर जो श्रद्धालु नीचे से आ रहे थे वो उसके नीचे शिकार हो गए। कुछ एक पीछे भाग लिए, पीछे किसी ने कहा कि पहाड़ टूट गया, दौड़ दौड़ लिए कुछ बचे, कुछ उसके नीचे क्रश हो गए, खत्म हो गए, पिस गए। उधर से लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला नाम से एक पुल है, उसमें श्रद्धालु दारे के दर्शनार्थ, पूरी भीड़ उसमें भर गया था, वो ऐसे चल रहा था। उधर से नीलकंठ से कुछ बचकर भागे हुए थे, उस रास्ते से अलग टड़कर पहाड़ पर चढ़कर नीचे आ रहे थे, उतरकर आवाज लगा रहे थे कि पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया, भाग लो भाग लो, और गिरता हुआ ऐसे आ रहा है। तो पुल पर खड़े व्यक्तियों को ने किसी ने सुन लिया कि पुल टूट गया, पुल टूट गया। वो कहते रहे कि पहाड़ टूट गया, पत्थर टूट कर आ रहा है, और तो वो बीच वाला ने सुन गया कि पहाड़ टूट गया। अब कोई तो यूं भाग रहा है, कोई नू भाग रहा है, पुल टूट गया, भाग कर निकलने जल्दी सी बाहर से। तो कुछ तो व्यक्ति पैरों के नीचे मर गए उस लक्ष्मण झूला के ऊपर, कई सैकड़ों की संख्या में। और कुछ एक ने सोचा तुम इस पुल से छलांग लगा के और गंगा में कूद जा, शायद जान बच गया। वो कुछ गंगा में कूद गया, कई सैकड़ों की संख्या में सारे मर गए। उस समय न्यूज पेपर्स में आया था और टीवी पर भी दिखाया गया था, लगभग 2,500 ये कावड़िया कति नष्ट हो गए थे, खत्म हो गए। उसके बाद भी आंख नहीं खुली। पुण्यात्माओं, यदि शंकर भगवान इस साधना से प्रसन्न होता तो ये हादसा नहीं होने देता। दूसरी ये है कि जैसे कल परसों आपने सुना था कि एक ही गांव जला गुड़गांव के अंदर बाग नामक एक गांव के फोर व्हीलर गया, जिसमें ऋषिकेश के पास जाकर के वो एक्सीडेंट, यानी गड्ढे में गिर गया। 150 मीटर लिखा था समाचार पत्रों में, यानी 450 फुट नीचे चला गया और सारे के सारे मर गए, एक गांव के 20 व्यक्ति। ओह, समाचार पत्रों में वो देखे थे नारी नारी चेता, ये भगवान कलेजा मुंह का आवे था, पूरा गांव में करलाट माच गए, जवान बच्चे सारे 20-22-24-30 के आसपास की उम्र इनकी। और फिर परमात्मा कहते हैं हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। अब रामपाल को तो बुरा बताते हैं, जो कहे तो देवी देवताओं की पूजा छुटवाता है, इन देवी देवता ने दे दिए टिंडे भी। रामपाल वही साधना बताता है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं, जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए और जिसकी ना करनी चाहिए वो सदग्रंथ ही प्रमाण है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनको कोई सुख होता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है।
किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। परमात्मा कहते हैं कि संता नाल मस्करी और ये चोरा नाल खुशहाल है। संतों के तो मजाक उड़ाओ, इन्हो कह वो तो न्यू बताओ है, इन्हो कह श्राद्ध भी ना निकालो, वो रामपाल तेनो कह फूल भी ना उठाना और गंगा में भी नहाने मत जाना। पुण्यात्माओं, चोरा नाल खुशहाल है, ये नकली संतों के साथ ये प्रसन्न रहते हैं। कोई कितना ही बेकायदे चारों धामों को धक्के खाया हो, वो धाम क्या चीज है? वो एक सिंपली यादगार है। उन यादगारों में जाने से इस जीव को कोई लाभ नहीं, वैसे धर्म धक्के हैं। और ना जाने कितने प्राणी वहां तक जाने में उनके पैरों तले कुचले जाते हैं। वो पाप तो उसके खाते में लिख दिया जाता है, पुण्य कोई है नहीं, क्योंकि वो साधना शास्त्र विरुद्ध है। केदारनाथ के बारे में शंकराचार्यों की एक पुस्तक में लिखा है कि वहां ये पांडव हिमालय वहां गए हुए थे पहाड़ पर, और वहां फिर कहते हैं परमात्मा शिवजी आगे एक भैंस का रूप बना के, और उस भैंस रूप में शिवजी को कहते भीम ने पहचान लिया, और भीम ने उस भैंस को पकड़ना चाहा तो भैंस पत्थर में समा गई और उसका पिछला हिस्सा भीम के ठहर गया, उसने छोड़ा को नहीं, वो पत्थर बन गया। और कहते उसका एक पैर तो निकला नेपाल में, दूसरा पैर निकला फलानी जगह, उन्हें थोड़ा सा पहाड़ बताओ कि यू पैर आ रहा पत्थर। तो वो कहते हैं ऐसे ऐसे चार केदार और हैं। अमरनाथ क्या है? अमरनाथ भी एक धामों में से है। अमरनाथ की कथा है कि जैसे एक समय भगवान पार्वती जी को नारद जी ने जाकर बताया कि हे माता, आपके 107 जन्म हो लिए, आपके 107 जन्म हो लिए, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, पुनर्जन्म लेते हो, शिव जी से फिर विवाह करते हो, और जन्म और मृत्यु का एक भयंकर कष्ट आप झेलते हो, गर्भवास में भी आप कष्ट उठाते हो, और भगवान शिव जी के पास एक ऐसा मंत्र है, यदि वो आपको मंत्र जाप बता दे तो आप अमर हो जाओगे जब तक भगवान शिव जी रहेंगे, आप उनके साथ ही प्राण छोड़ोगे। तो पार्वती जी ने कहा कि नारद जी, वैसे ऋषि जी झूठ नहीं बोला करते, लेकिन मेरे आपकी यह बात जची को ना, विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान शिव जी के पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मेरा छुटकारा हो सकता है, जन्म मृत्यु शिव जी के तक, जब तक शिव जी रहेंगे तब तक मैं फिर नहीं मरूंगी, पहले तो मेरी यह बात ना जचती कि वो, क्योंकि शिव जी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे कुछ भी आज तक उन्होंने छुपाया नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान शिव जी ने 107 रूंड यानी खप्पर होया कर सिर, इसने रूंड बोले हैं, इससे ऊपर ऊपर का ऐसा यू हार्ड, मृत्यु के बाद यू हार्ड बच जाता है, बचा लिया करते, और उसमें कर नाका में अगर धागा पोक है और माला बना रहे थे 107 ये सिर खपरों की खोपड़ी की। तो कहने लगा कि ये 107 जन्म हो चुके आपके और भगवान शिव जी ने ये आपके ये गले में माला डाल रखी, आपके शीश हैं। अब नारद जी तैयार कहकर चला गया और पार्वती जी को बहुत चिंता होगी कि नारद की बात झूठी मैं मानूं कैसे, और भगवान शिव जी मुझसे कभी आज तक छुपाया नहीं किसी वस्तु को, उन्होंने मुझे ये अमोघ मंत्र दिया क्यों नहीं। अब भगवान शिव जी आए अपने घर पे,
पहले तो पार्वती जी जैसे पत्नी अपने पति से व्यवहार करती है ऐसे बोला करती है, अब तो बहुत देर कर दी, कहाँ चले गए थे, जैसे डांट भी मार देती थी, सब्जी ना लाए, फलानी चीज ना लाए। लेकिन उस दिन जो ही भगवान शिव जी आए और चरणों में शीश रखा, और ये शिक्षा नारद जी दे गए थे कि माता अभी तक आप उनको अपना पति मानते हो, आप उनको परमात्मा की दृष्टि से देखो, विनम्र होकर यातना करो, चरणों में शीश रखो, तब वो प्रसन्न होकर आपको कुछ वस्तु देंगे। तो जो ही भगवान शिव जी घर पर आए और पार्वती ने चरणों में शीश रखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु मुझसे अवश्य कोई भूल बनी है जिस कारण से आपने मुझे किसी अनमोल वस्तु से वंचित रखा है। अब पार्वती भगवान शिव जी बोले, ऐसी क्या बात है कि आपके पास एक ऐसा मंत्र है जिसको आप खुश होकर प्रदान कर देते हो, उसकी उम्र बहुत लंबी हो जाती है। ये भगवान मेरे 107 जन्म हो चुके और आपने ये सिर मेरे ही टांग रखे हैं, माला बना रखे, मेरे शीश है। ए प्रभु अवश्य मुझ तुझ प्राणी से भूल बनी होगी जिससे आपकी मैं कृपा पात्र नहीं बनी और मुझे मुझ दासी पर कृपा करो, मैं बालक हूं, मैं भोली बाला हूं, आप तो समर्थ हैं, मेरे अपराधों को अक्षमा करो प्रभु, मुझे वो मंत्र दो। अब भगवान शिव जी बोला कि पार्वती एक बात बता, आज तेरे को यह किसने शिक्षा दे दी, ये तेरे सत्र का लेवल को ना, तेरे बुद्धि की सोच नहीं है, आज तेरे को कौन ईसा भगवान आत्मा मिल गया तो तेरी बुद्धि फेर दी, तू भगवान चाण लागी, और नहीं तो मैं बहुत बार आपको चेष्टा किया करता था कि पार्वती भक्ति करा करे, आप कह देती थी मेरे को तो भगवान मिला है, मुझे भक्ति की आवश्यकता ही क्या है, तू कान्ना पे घटाड़ा करती। तो पार्वती को कहा, तो उठ खड़ी हो। तब उसने कहा कि प्रभु ऐसी कौन सी गलती बन गई, आज तक आपने मेरे को ये अनमोल मंत्र ना दिया। तो भगवान शिव जी कहने लगे, पार्वती अभी तक तेरे हृदय में जगह नहीं थी इस वस्तु के डालन की। जैसे एक सीप होती है, जिस एक प्राणी होता है सीप बोल रहे उसको, और उस सीप के अंदर मोती बनता है और वो मोती बहुत कीमती होता है और बड़े सेठ साहूकार ही उसको प्राप्त करते हैं और वो माला में डाला जाता है, सत्य मोतियों की माला बनाई जाती है, वो बहुत कॉस्टली होती है। तो वो मोती कैसे बनता है, एक सीप प्राणी होता है, जैसे ये शंखले होते हैं, आपने देखे होंगे तालाबों पे शंख देखा हो, बजाते हैं मंदिरों में, इसी प्रकार का दृढ़ शरीर वाला एक प्राणी होता है जिसको सीप बोलते हैं। लेकिन वो सीप चपटा सा होता है, ऐसा गोल नहीं होता, लेकिन क्वालिटी शरीर की ऐसी ही होती है, हार्ड सा। तो उसके अंदर एक प्राणी होता है, वो समुद्र के अंदर ही रहता है और उसको जब प्यास लगती है, मोती बनाने की उसकी इच्छा होती है, समुद्र में कुछ गर्माहट होती है और ऊपर वर्षा होती है, तो उसमें वो ऊपर आता है, अपनी मुंह को खोल लेता है, जब मुंह खुला हो और ऊपर से वर्षा का संयोग हो जा तो आसमान से स्वाति बूंद को लेकर, ऊपर की आसमान की बूंद को, वर्षा के जल को लेकर वो मुंह बंद कर लेता है तो उसमें मोती बनना शुरू हो जाता है। और जब वो मुंह खुलाना हो, सीप भले ही ऊपर हो तो सारा सामन बरस जा, उस सीप में मोती नहीं हो सकता। तो भगवान शिव जी कहने लगे, पार्वती
अभी तक तेरे अंत्यकरण रूपी सीप का मुंह बंद था। मैं बहुत ट्राई करता था कभी ये प्रेरित हो, मैं कथाएं भी सुनाता था, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति के बिना इस जीव का कोई यूज नहीं शरीर का, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मैंने आपको ये अनमोल मंत्र नहीं दिया। ये वस्तु ऐसे खराब करने की नहीं थी। आज तेरे अंतःकरण रूपी सीप का मुंह यू किसने खोल दिया? ऐसा कौन भगवान प्राणी आ गया, तेरी बुद्धि बदल गया? तो पार्वती जी कहने लगी, मुझे नारद जी आए थे और उन्होंने ये बताया, और मैंने नारद जी की बात पर शीघ्र से विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने आज तक मेरे से कोई वस्तु छुपाई नहीं, मैं नारद जी की बात को कैसे मान लूं? क्या फिर कहती है, क्या परमात्मा जब मैं मर जाती थी आप मेरे प्रेम में वियोग में रोया नहीं करते? अब भगवान कहता है कि मेरे साथ जो बीते थी वो मैं जानूं, पार्वती तुझे ज्ञान नहीं। एक बार राजा दक्ष के यहां तेरा जन्म था, उसमें तूने राजा दक्ष के हवन कुंड में छलांग लगा के आत्मदाह किया था, उसमें मैं तेरे इस अर्ध जले शरीर को, क्योंकि शिघर निकाल ली गई थी तो मांस तो जल गया सारा, हार्ड हार्ड अस्थि पिंजर रह गया था, मैं तेरे अस्थि पंजर को सीने से लगा के 10,000 वर्ष तक गौरी गौरी करता, पार्वती पार्वती करके पागल हो गया था। वो तो भगवान का सुदर्शन चक्कर आया, उसने शीश काट दिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो पुण्यात्माओं, जहां जीव पड़ी वहां ज्वाला जी थोड़ी बहुत जो बच रही थी, और नैनो का टुकड़ा जो कवर पड़ा वहां नैना देवी, और जहां ये शेष धड़ पड़ा अस्थि पंजर वहां या वैष्णो देवी, ये मंदिर बना दिए। ये बनाई थी यादगारें के आने वाले समय में, एक कब्र ऐसे मंदिर सा बना दिया कि आने वाले समय में श्रोताओं को ये विश्वास ना हो कहीं कि पुराण में ये कथा लिखी है कहीं झूठी हो, तो वो थेतन यादगार बना रखी थी। अब वहां इन पूजा शुरू कर दी, घंटी बांधे उड़े, जय माता जी जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी, वहां ना माता जी, वहां तो एक यादगार है, एक मूर्ति दे रखी है उसकी, और अन्य बार भी तू जितनी बार मरी है मैं बहुत तड़फा और रोया, लेकिन ये ऐसा अनमोल मंत्र है मैं तुझे दे नहीं सका, क्योंकि तेरी रुचि बिल्कुल नहीं थी। आज तेरे अंतःकरण का मुंह खुल गया, तेरा कोई पूर्व पिछला संस्कार उदय हो गया। तो कहा कि चल ऐसे स्थान पर ये नाम दूंगा जहां कोई पक्षी पशु जीव जंतु भी हमारी इस अमर कथा को ना सुन ले। अपने आत्माओं, आम व्यक्ति जो भक्ति से संबंधित नहीं है, परिचित नहीं है, वो क्या कहता है कि तुम्हारे गुरुजी ये संत जन नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते, ये गुप्त क्यों देते हैं? अब उनको ज्ञान नहीं, क्योंकि ये मंत्र परम संत के मुख से जब दिया जाता है और कोई ऐसा वैसा व्यक्ति भी ले लेता है तो उसके अंदर भी सिद्धियां शक्ति आ जाती हैं, और फिर वो उन सिद्धि शक्तियों का दुरुपयोग करके राक्षस बनकर और विरोधी बन जाता है जनता का, वो बहुत हानिकारक सिद्ध हो जाता है। इसलिए इस मंत्र देने से पहले आपको इतना नॉर्मल किया जाता है, इतना नरम बनाया जाता है ताकि आप भगवान से डरने लग जाओ और आप किसी के साथ इस मंत्र को प्राप्त करके दुरुपयोग ना करें, और फिर आप किसी और को बताओगे ये भी मना किया जाता है कि आप इसको किसी को नहीं बताओगे। आप किसी और को बताओगे तो क्योंकि आप कुछ दिनों के बाद आपके अंदर सिद्धि शक्ति आ जाती है, और जिसको तुम मंत्र दोगे
उस आपकी कमाई से उसके अंदर भी वो मंत्र शुरू हो जाएगा। आपकी कमाई खत्म होने लग जाएगी और उस वो आप गुरु पद को प्राप्त हो जाओगे, दोनों के भक्ति का विनाश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए न तो आप किसी को ये मंत्र दे सकते और न ही इस मंत्र को संत सार्वजनिक कर सकते। ये परमात्मा का दोष बन जाता है, फिर अपराधी बन जाते हैं, ये नियम है। तो इसलिए भगवान शिव जी ने कहा कि चल पार्वती, ऐसे स्थान पर चलते हैं जहां अपनी इस वार्ता को कोई ना सुन सके। तो कहां गए, जहां आज वो अमरनाथ का मंदिर बना रखा है। भगवान शिव जी ने एक ऐसा स्थान देखा, एक वहां पर एक सूखा वृक्ष था जिसके पत्ते नहीं थे, टहनी और उसका तना शेष था उसमें, उसके खोगर में, उसके अंदर जैसे पुराने सूखे हुए वृक्ष होते हैं उनके एक शरीर के उसके तने के अंदर सुराख सा होता है, उसको खोगर बोले हैं। उसके अंदर एक मादा तोता ने अंडे दे रखे थे और भगवान शिव जी ने उसी वृक्ष के नीचे अपना डेरा ला लिया कि यदि हम हरे वृक्ष के नीचे बैठूंगा तो हो सकता है कोई पक्षी भी आकर बैठ जाए, मैंने दिखाई ना देगा। इस सूखे पेड़ के नीचे बैठूंगा तो कोई पक्षी भी आओगा तो मेरी दृष्टि पड़ जाएगी। उससे पहले भगवान शिव जी ने अपने हाथ से ऐसे तीन ताड़ी मारी, तीन बार ऐसे हथेली बजाई, उनकी आवाज इतनी भयंकर थी कि आसपास के पक्षी पशु उड़कर पक्षी दूर भाग गए। उस खोगर के अंदर अंडे स्वस्थ थे, उन अंडों से बच्चे बनकर भी वो तोते के बच्चे उड़ गए, लेकिन एक गंदा अंडा था और वो गंदा अंडा वहीं रह गया। और उस अंडे का जिस प्राणी का संयोग था वो जीव आत्मा भी उस गंदे अंडे के चिपकी रही। अपनात्मा ये तत्व ज्ञान है, ध्यान से सुनना विचार करना। जैसे इन नकली संतों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने ये फूल चुनने की आदत डाली, रिवाज डाली, इसका क्या कारण था? क्या होता है कि हम जहां भी रहते हैं उसके अंदर इतने लीन हो जाते हैं, उसके साथ हम इतना मोहित हो जाते हैं, उस पर आसक्त हो जाते हैं, उस वस्तु को हम जल्दी सी भूलते नहीं। जैसे वो गंदा अंडा हो गया था लेकिन उसमें जीव था, वो जीव अंडा गंदा हो गया लेकिन जीव वहीं रहा, उसके चिप क्या रहा कि मेरा शरीर है, मेरा बॉडी है, मेरा अंडा है। जो भक्तिहीन प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनको सभा कर दिया जाता है, उनके जो अस्थि पिंजर होती है हड्डियां, जलने के बाद भी कुछ जलती नहीं, कितनी फूक ले उन्हें बस रह जाती है थोड़ी बहुत, जिसमें वो प्राणी यहां से गया शरीर छोड़कर फिर ऊपर गया धर्मराज के लोक में, वहां जाने के बाद उसके संस्कारवश उसकी मान लीजिए प्रेत योनि हो जाती, तो वापस वो अपने घर आता है। घर आता है तो देखता है कि यहां तो तेरा शरीर नहीं है, वो ये चाहता है कि उसी शरीर में फिर प्रवेश हो, मेरा शरीर है। तो वहां से फिर वो जाता शमशान घाट पे, वहां जाकर देखता है कि तेरा शरीर यहां जला दिया, तो उसकी जो अस्थियां पड़ी होती हैं तो वो उनके चिपक जाता है कि मेरा शरीर है, मेरी अस्थियां हैं, मेरी हड्डियां हैं। और ये जंतर मंत्र करने वाले सेवड़े जो होते हैं, ये तांत्रिक, उन हड्डियों को उठा लाते हैं और वो प्रेत उनका चिपका हुआ हुआ प्राणी उनके आ जाता है, फिर उसको वो काबू कर लेते हैं, फिर वो दूसरों पर प्रयोग करते हैं, उनके अपने भी कर्म बिगाड़ते हैं, दूसरों का भी वो दुख देते हैं और उस प्राणी को भी और पापी बनाते हैं। तो इस तरह की क्रिया के जानने वालों ने यही विकल्प ढूंढा कि इस राख ने ठाके, इन अस्थियों को ठाके, इन फूलों को चुग के और ऐसे गहरे पानी में डाल दो कि ये
उस आने वाले प्रेत को कहीं ढूंढे भी ना मिले। उनकी यह सोच थी। तो फिर वो यहां से चला जाएगा धक्के खा के गर्दनस के ठिकाना ना, और उसका शरीर वहां पाना ना, तो फिर वो कहीं और चला जाएगा, तुम्हें दुख ना देगा तुम्हारा जो मृत्यु को प्राप्त हुआ प्राणी। तो इसलिए ये फूल चुगया करते हैं, बता इस तक के मोक्ष हो गया। और फिर वहां डालने जाते उसकी और क्रिया बता दी, यहां से करो ऐसे करो, जब जाके इसकी गति होगी, वो एक बीमारी और हमारा लाजी। तो ऐसे ही वो प्राणी चिपका हुआ था, वो जीव चिपका हुआ था उस गंदे अंडे के साथ में। वो वहां से उड़ नहीं सका, उस अपने उसको छोड़कर नहीं चला, वहां से गया नहीं। उधर से भगवान शिव जी ने पार्वती को वो अमर कथा सुनानी शुरू कर दी। अब आप जी को इसके साथ साथ उस सूक्ष्म वेद की कुछ अमर वाणी सुनाएंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। शंखों दे धरी तन योनी, नो तत के का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा, भ्रम में पुत्र व्यास सुख देवा। सतगुरु मिले माँ देव बंका, 84 की मिट्टी न सुंका, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंडमाला गल लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका खीर भयानी भोरा, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना, सुन हे देवी गौरा माई। 68 तीर्थ पर भी नाही, पिंड प्रधान किए कह बारी, खुली नहीं ये मुक्ति द्वारी। अब नारद जी बता रहे हैं देवी पार्वती जी को, गौरी को, कि अभी तक जिन साधनाओं को तू करती थी, 68 तीर्थ भी स्नान किए हैं और भी साधनाएं तूने की हैं, जिससे तेरा जन्म मृत्यु का चक्कर बंद नहीं हुआ। सुन हे देवी गौरी माई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रधान किए कह बारी, खुली नहीं या मुक्ति द्वारी। गिरिबरुंड माला शिव के गैले, गिरजा के सरसीस, भक्ति दुराई देव को ना परस्या जगदीश। नारद जी बता रहे हैं, तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, बहुत तक पर ले हो जाई, लंबी उम्र शिव कलमाही। दीर्घ आयु शिव है अनरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी, मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प हो तेरी काया। महादेव देवन पति देवा, जिनकी करी न गौरी सेवा, कर बंधन कर शीस नमावो, हो तन मन अर्पो शीस चढ़ाओ। नारद जी कह रहे हैं कि तूने अभी तक उनको समर्पण नहीं किया, और जिस दिन समर्पण किया जाता है उसी दिन उपदेश प्राप्त होता है। परमात्मा भी कहते हैं अपनी अमृतवाणी में कि तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। यानी जिस दिन आपको उपदेश मिल गया उसी दिन आपने समर्पण कर दिया। इसके बाद के जो समर्पण की बकवास कोई करता है वो निकम्मी आत्मा है, उसको कोई ज्ञान नहीं। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। गुरु से जब दीक्षा मांगे और तन मन धन धरे धन आगे, यानी सब कुछ समर्पण कर दे, निष्कपट भाव से लग जा, वो समर्पण होता है। ये बकवादियों ने पता नहीं कहां से बकवाद शुरू कर दी थी, समर्पण बोला आज समर्पण करो, और इतने दिन वैसे ही खो दियो, बुद्ध हुआ तुमने, आज क्या कहा समर्पण। समर्पण उस दिन होता है जिस दिन नाम ले लिया तुमने।